अम्मा आज हमारे लिए बना रही है सैंडविच। इसको निकालने का मतलब है कि भाई बहुत धीरे धीरे जाना पड़ता है। भाई जल्दी ना करो, गाड़ी का पिकअप कम है, कृपया साइड लेकर जाएं। गेड़ी लगाने चलना ना, ना ना जा रहा गेड़ी लगाने में। परसों भी इंडिया ने बैटिंग करी, कल भी इंडिया ने बैटिंग करी, आज भी इंडिया ने बैटिंग करी है। 25 दिन 28 दिन तो व्लॉग करना ही करना है, चाहे मैं कह रहा हूँ 5 लोग देखे। जय श्री राम दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। एंड मैं रेडी हो चुका हूँ, एंड अभी टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ, टाइम हुआ है 9:12। तो 9:12 भी हुए हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि 9:20 तक घर से निकल जाए, ताकि हमें वहाँ पे पार्किंग भी मिल जाए इजीली एंड जाम भी ना मिले। बाकी गाइस, अम्मा आज हमारे लिए बना रही हैं सैंडविच, क्योंकि रोटी रोटी खाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने बोला कि मम्मी सैंडविच बना दो। एक खीरा तो वेस्ट हो चुका क्योंकि ये कड़वा है, अब ये वाले का पता नहीं कि ये मीठा है या नहीं। मीठा है ये, मीठा है पक्का कन्फर्म। ओके एंड गाइस, 2 दिन से कोमल भी नहीं आई, ना आज आई ना कल आई, तो इसलिए मम्मी को और परेशानी हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि साफ सफाई इतनी ज्यादा हो नहीं पाती ना। फिर दैट इज द थिंग, साफ सफाई इन द सेंस कि मम्मी मेरे को घूर रही है। मम्मी मेरे को इसलिए घूर रही है क्योंकि मम्मी मेरे को बाद में बोलेंगी कि मैं खुद भी कर लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एक होता है ना कि भाई 2 बंदे लग के करते हैं और एक बंदा ही बेचारा करता रहे, तो फर्क होता है ना। क्यों अम्मा, ठीक बात है एकदम, कुछ गलत तो नहीं कला? हाँ ठीक है, बिहारी बन जा। मम्मी ने बनाई है वो देखो, ये काली वाली दाल जो मैं बिल्कुल नहीं खाता, इसलिए सैंडविच खाएंगे, साथ में पियेंगे अपनी चाय और उसके बाद फिर जाएंगे कोर्ट। बिल्लो शडनी हाँ वेरी कखनी। तो गाइस, आज मेरा प्लान था कि मैं इसको लेके जाऊं, बट मैं इसको नहीं लेके जा पा रहा क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, एंड टाइम नहीं है इतना कि मैं इसको निकालूं, क्योंकि इसको निकालने का मतलब है कि भाई बहुत धीरे धीरे जाना पड़ता है, इसलिए इसको नहीं लेके जा रहे। और मुन्ना भैया, ये मुन्ना भैया जब तक पबजी से लड़की नहीं लाएंगे तब तक इनको चैन नहीं मिलेगा। क्या खेल रहे हो? एक रीजन और है क्योंकि ये अभी साफ नहीं है, इस वजह से नहीं ले जा रहा। नहीं हुई साफ? आज साफ नहीं हुई क्या? नहीं साफ तो लग रही है वैसे। हाँ अभी हुई नहीं होगी, बट वैसे लग रही है, वो खड़ी रहती है ना अंदर कोई नहीं। मैंने भाई स्टार्टिंग में ये सोचा था कि इसको बहुत चलाऊंगा, बट अब जब से कोर्ट जाने लग गया हूँ तब से टाइम ही नहीं मिलता इसको चलाने का। रात में आता हूँ थक जाता हूँ, फिर नहीं चला पाता इसको, है ना। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अपनी धनो सामने खड़ी है, उसको लेके चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर, एंड हम बस कोर्ट पहुंचने वाले हैं आज। भाई मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा, एंड जब मैं ब्लॉग करता हूं ना तो लोग मेरे को ऐसे घूरते हैं, पता नहीं जैसे मैं कौन सा पाप कर रहा हूं। मुझे नहीं पता भाई, ब्लॉगिंग ऐसी चीज है क्या है? हम तो बड़े मजे से देखते हैं ब्लॉग। जो मम्मी वाला जो ब्लॉग था जो मैंने डाला था हॉस्पिटल जब मम्मी गई थी, तो उसमें मेरे को काफी सारे लोगों ने अपना कंसर्न दिखाया, काफी सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ आंटी, अब ठीक है मम्मी, अब ठीक है। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड दिल से थैंक यू आप सभी लोगों को, मतलब इतना प्यार देने के लिए और इतना कंसर्न दिखाने के लिए। मेरे को नहीं पता था कि इतने सारे लोग व्लॉग देखते हैं, एंड मेरी फैमिली व्लॉग देखती है, एंड उनको भी ये चीज़ मतलब उन्होंने देखी, एंड उन्होंने सबने पूछा, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। बाकी अभी कोर्ट जाते हैं, एंड उसके बाद फिर आज का दिन दिखाते हैं आपको हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो मेरे को क्या दिखा, मतलब बंदे ने परफेक्ट मैसेज लिखवा रखा है कि भाई जल्दी ना करो, गाड़ी का पिकअप कम है, कृपया साइड लेकर जाएं। तो मतलब भैया ना हॉर्न बजाओ ना डिपर दो, अपना साइड लो और निकल जाओ, क्योंकि भैया गाड़ी के अंदर पिकअप कम है। तो बढ़िया मैसेज है यार, मतलब ओके है, गाड़ी के पीछे ना ऐसी चीजें लिखी होनी चाहिए, अच्छा लगता है, गुड वेरी नाइस आइडिया। और गाइस, तो अभी मैं आया हूँ प्रमोद भैया के पास थोड़ा सा काम करवाने, एंड प्रमोद भैया हेलो बोल दो। हेलो प्रमोद भैया, यहाँ के मोस्ट डिमांडेड वो है, बैचलर तो नहीं बोल सकते, शादी हो चुकी क्योंकि भैया की, बट मोस्ट डिमांडेड पर्सन है 30,000 के। तो अभी एक एप्लीकेशन टाइप करवा रहे थे, उसके बाद 2 एप्लीकेशन है एक्चुअली, एक इसकी है एक इसकी है। तो इसके बाद चलते हैं कोर्ट, फिर कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं सुबह से। मनीष ले आया है हमारे लिए पिज़्ज़ा, मिल गया था बंदा है। तो भाई सीन अभी ऐसा हुआ है कि ये जो ऑर्डर आया ना बड़ी मुश्किल से आया है, क्योंकि पहले मैंने ऑर्डर किया वो कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद उनका कॉल आया कि सर हमने आपको नंबर ट्राई किया बट आपका कॉल लगा नहीं था, तो फिर दोबारा रीऑर्डर करना पड़ा, एंड तब जाके फाइनली हमारा आया है, एंड वी ऑल वर वेटिंग फॉर पिज्जा एंड गार्लिक ब्रेड। आप खाएंगे, तूने क्या खाया आज? मैंने राजमा चावल। ओ तेरी, घर के राजमा चावल, अच्छा जी। सो गाइस, आज हम लोग कर रहे हैं पिज्जा पार्टी यहाँ पे दिव्यम के, एक्चुअली दिव्यम वकील बन गया है, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, पीयूष वकील बन गया है, तो पीयूष के वकील बनने की खुशी में हम लोग पार्टी कर रहे हैं। और इतना टाइम नहीं हमारे पास पिज्जा सामने देखकर है, इतना टाइम नहीं है पिज्जा सामने देखकर। हाँ पिज्जा सामने देखकर, वो भी इतने टाइम बाद आया, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद ऑर्डर आया है, और जबकि बिल्कुल सामने ही है डोमिनोज। तो कोई बात नहीं गाइस, स्टार्ट करो 1 2 3 एक्शन, पहले तुम लोग खाओ, जिंदा रह गए तो मैं खाता हूँ। क्यों अभी अटैक आ जाता, कितनी तेज दिल धड़का है। क्यों धड़का है दिल? नहीं तो ये बॉर्डर कहाँ से है पहले बताओ। ये मैं गई थी ना अभी ज्वेलरी ले आई, अब सामान अपना। हाँ है पर वो अच्छा नहीं है, चल। ना ना ना, ये क्या बात होती है, अच्छा नहीं है चल, ना 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 ना, जो ले आई वो ले आई, ना 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 सॉरी। लाई क्या हो ये बताओ,
अरे तो मेरी माँ एक बात आओ, जब आप गई थी लेने तो खुद देख के लेके आती ना, तो ये क्या, ये अच्छी तो लग रही है, तो और कौन सी कह रही हो? ये भी अच्छी लग रही है, अच्छी तो लग रही है, कितनी सुंदर है, बट पता नहीं चल रहा ये कितने की है, ये कितने की है, और वो दूसरी जो आप बता रही हो वो कितने की थी, तो उसमें क्या था अलग? वो थोड़ी सी ब्रेक, वो तो बहुत खूबसूरत है, ब्रेक वो रखी थी, वो वुडन में थी, स्टील के ऊपर वुडन लाओ के, ये तो वुडन के उसके वो तो आप ले आई हो ना, बस ये ठीक है, ले आई हो ना, ओके अभी। अरे गेड़ी लगाने चलना, ना 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 जा रहा गेड़ी लगाने में आपके साथ। तो भाई अभी सीन ऐसा है कि हमने खाने के लिए मंगवा लिया है, क्योंकि मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा आलसी हो रखी है, तो मम्मी खाना नहीं बना रही थी, तो मम्मी ने बोला कि बाहर से ही मंगवा ले, तो हमने अपने लिए खाने के लिए मंगवा लिया है फाइनली। ओके थम्स अप, ऑलराइट है। घर पे आजकल हमें खाना नहीं मिल रहा है, हमें बाहर का ही खाना पड़ता है। कोमल भी तो नहीं आ रही, एक टाइम तो बना रही हो, दो दिन से नौकरानी भी नहीं आ रही, तो मम्मी और ज्यादा परेशान हो रखी है, घर की सफाई भी नहीं हो रही है। की नहीं है सफाई, जाके देख, थोड़ी सी सफाई करी है गाइस, ज्यादा नहीं हुई है, पूरी सफाई की है, और इसके बाद मम्मी मेरे को बखेंगी गाली। ऑलराइट गाइस, तो खाना आ गया है, एंड मैं देख के हैरान हो गया कि आज भी इंडिया की बैटिंग है, मतलब ऐसा हो रखा है भाई जैसे वो नहीं होता मैच खेलने जाते थे पहले हम लोग, तो बोलते थे भाई मेरी बैटिंग है मेरी बैटिंग है, तो कोई बैटिंग देता नहीं था, पर इस टाइम तो ऐसा हो रखा है कि इंडिया वालों की बैटिंग आ रही है, परसों भी इंडिया ने बैटिंग करी, कल भी इंडिया ने बैटिंग करी, आज भी इंडिया ने बैटिंग करी है, एंड ये आ गया है खाना, जल्दी दे गया है ना, टाइमली ले आया ना अम्मा, बाहर ले आओ, बाहर ले आओ, ये देखो फिर से इंडिया की बैटिंग, आज इंडिया ने ज्यादा रन नहीं बनाए, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि जीत सकती है यहाँ से भी। लेकिन दांत देनी पड़ेगी इस युवा 20 वर्षीय को, पूरी कोशिश की गेंद के साथ, भाई लग नहीं रहा था कि मैच जीत पाएंगे बट जीत गए फाइनली, अब इंडिया फाइनल्स में, डिफेंड किया है 213 रन और इस मैच को जीत लिया 41 रन से, पहुंच गए हैं एशिया कप 2023 के फाइनल्स में। ऑलराइट गाइस, तो खाना खा लिया, मैच देख लिया, इंडिया मैच भी जीत गई, तो बहुत ही खुशी की खबर है, बाकी अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है। भैया गए हुए हैं जोधपुर, क्योंकि भैया जो है वो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनको बड़े सारे पर्क्स मिलते हैं, तो जोधपुर घूमने के लिए गए हुए हैं, प्लेन से गए हैं, वहाँ रहना वहना सब कुछ बढ़िया, तो कोई नहीं यार, हमारी किस्मत में भी ऐसा नहीं है, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। बाकी गाइस, वो है मेरा रूम जो कि अभी खाली पड़ा है, एंड मैं वहां जाके अभी पढ़ जाऊंगा, सो जाऊंगा, क्योंकि कल मेरे को जाना है रोहिणी कोर्ट, एंड वहां पे 4-5 मैटर है जो तुम्हारा भाई संभालेगा पूरी तरीके से, तो हिम्मत दो मेरे को उसके लिए कि मैं अच्छे से करके आऊं, एंड सुबह मैं जल्दी उठ जाऊं, बाकी कल मैं ऑडी लेके जाऊंगा भाई, ये कंफर्म है, क्योंकि रोहिणी में मेरे को पार्किंग मिल जाती है, वहां जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ऑडी ही लेके जाऊंगा, कंफर्म है ये बात। तो और क्या करना है, और तो कुछ नहीं है, इंडिया जीत गई, मजे आ गए, आप लोग लाइक कर दो इसको, शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगी, बाकी प्यार तो आप लोग बहुत करते ही हो, आगे भी बनाए रखो प्यार, ऐसे ही हम लोग अब डेली व्लॉगिंग चालू रखेंगे, कम से कम टारगेट है कि महीने में 30 नहीं तो कम से कम 25 दिन 28 दिन तो व्लॉग करना ही करना है, चाहे मैं कह रहा हूं 5 लोग देखें बट करना ही करना है। ठीक है, मिलते हैं मेरे दर अगले ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, प्यार आपका, मैटिंग जसपुर, लव यू।